एल्विश यादव के ऊपर लग गई हैं धाराएं, एफआईआर हो गई है लॉन्च। यहाँ पे मारपीट के मामले में एल्विश यादव के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। धारा 147, 149, 323, 506 आईपीसी की धाराएं एल्विश यादव के ऊपर लगा दी गई हैं। एल्विश यादव के ऊपर ये धाराएं क्यों लगी हैं अगर आप लोग नहीं जानते हो तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो इसके बारे में बनाया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। मैक्सटर्न एक यूट्यूबर है, उनके साथ एल्विश यादव की ट्विटर पे कुछ बहसबाजी हुई थी जिसकी वजह से मैक्सटर्न गुड़गांव आए थे, और गुड़गांव आने के बाद उन्होंने तो ये सोचा था कि भाई इनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, बहसबाजी जो भी करनी होगी वो आमने सामने बैठ के कर लेंगे। लेकिन एल्विश यादव ने आते ही उसके एक थप्पड़ मारा और उसके बाद उसके साथ जो लौंडे थे उन्होंने सब ने मिल के उसको पकड़ के खूब मारा, और इसी वजह से वो एफआईआर यहाँ पे दर्ज हुई है। तो ऐसे ही यूट्यूब की अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। एल्विश यादव के साथ क्या होता है और क्या क्या सारी चीज़ें निकल के आती हैं वो सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।